बिहार सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है कि अब स्कूल के शिक्षक अब बोरा बेचेंगे, स्टॉल लगाकर बोरा बेचेंगे, इसको लेकर सियासत जारी है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह सर। अब शिक्षक बोरा बेचेंगे, पढ़ाई के लिए तो थे लेकिन अब बोरा बेचने का काम सरकार ने दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षण संस्थाओं को नष्ट कर देना, उसकी गरिमा को समाप्त कर देना और शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को शिक्षण के अतिरिक्त अन्य दूसरे कार्यों में लगाए रखना, ये तो बिहार में नियति बन गई है। और यही कारण है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और ये ध्वस्त हुई लालू प्रसाद जी के समय से, जो उसकी शुरुआत हुई। हम लोग जब थे नीतीश बाबू के साथ में, तो हम लोगों ने कोशिश किया था इसको ऊपर ले जाने का, शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का, लेकिन बीच बीच में राजनीतिक व्यवधान आते रहा। और नीतीश बाबू की रुचि कभी भी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की नहीं रही। पता नहीं क्यों, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई उनकी, लेकिन शिक्षण संस्थाओं के प्रति उनकी जो अरुचि रही, हम लोग साथ रहते हुए भी जो परिणाम लाना चाहते थे नहीं ला पाए। और शिक्षण संस्थाएं धीरे धीरे मृत प्राय हो गई हैं, तो अब शिक्षकों के लिए अब काम ही क्या रह गया है? बोरा बेचेंगे आप, तो उनसे बोरा बेचवाएंगे, उनसे और कुछ करवाएंगे, उनसे तो सारा काम करवाते हैं, जनगणना करवाते हैं, जातीय जनगणना करवा रहे हैं, चुनाव के दिनों में चुनाव कार्य में लगाए जाते हैं, चुनाव शासी निकायों से लेकर ऊपर तक होते ही रहते हैं, उन सब कार्यों में शिक्षकों को ही लगाया जाता है। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके शिक्षक जो है, शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त शिक्षक सारा काम करते हैं, शिक्षण कार्य से उनका कोई सरोकार नहीं है। यही कारण है कि इतनी कोचिंग संस्थाएं खुल गई और विद्यालय से, महाविद्यालयों से छात्र नदारद हो गए, उनके भवन ध्वस्त हो रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो बिहार की शिक्षण व्यवस्था को नष्ट करने में नीतीश बाबू का और लालू प्रसाद जी के व्यवस्था का पूरा हाथ है। हम लोग साथ रहते हुए बहुत कुछ चाहते हुए उनके ही हाथ में रहा बराबर, तो ये शिक्षा विभाग, और वो अपने तरीके से चलाते रहे, मनमाने तौर पर चलाते रहे। ये बढ़ते अपराध को लेकर लगातार जो है अब चर्चा शुरू हो गई है। संजय जायसवाल जी कह रहे हैं कि बिहार में पाकिस्तान जैसी हालात हो गई है, बिहार में काफी डर का माहौल है, लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, आपको लगता है सर कि वाकई में डर का माहौल एक शुरू हुआ? देखिए, जिस दिन लालू प्रसाद जी के साथ उनका गठबंधन हुआ और जनता का मैंडेट प्राप्त करके हम लोगों की सरकार जो बनी थी उससे बाहर हुए, उसी दिन तय हो गया कि अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत जल्द ही खराब होने वाली है। और अब तो सब दिखाई पड़ रहा है, अब इनके हाथ से बाहर है। बयान जो दिया करें, मैंने आज ही देखा है अखबार में कि अपराध के आंकड़े काफी कम हो गए हैं, लेकिन जनता भोग रही है, लोग भोग रहे हैं, और अपराध का ग्राफ इतना ऊपर गया है कि आज स्थिति बिहार में बिल्कुल विधि व्यवस्था की बेकाबू हो गई है और सब कुछ सरकार के हाथ में अब नहीं रह गया है, ऐसा प्रतीत होता है।
बिल्कुल, जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, इनका दावा है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफी बिगड़ा है और जिसका असर अब साफ तौर पे दिख भी रहा है। कैमरामैन श्याम के साथ अनीश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।